मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं डायबिटीज़ थायराइड और हार्मोन्स रोग विशेषज्ञ जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। और आज जिस चीज़ के बारे में या जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा वो डायबिटीज़ से रिलेटेड ही है, डायबिटीज़ और सेक्स हार्मोन की कमी। अमूमन ये देखा गया है कि ओल्ड एज पीपल्स में जो 45-50 साल से ऊपर हो जाते हैं उनमें फिजियोलॉजिकली ऑलरेडी हार्मोन कम हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन। लेकिन डायबिटीज़ में ये देखा गया है कि जो 45-50 साल की स्थिति आती है वो हमको 35 साल पे ही दिखने लगती है। तो मतलब डायबिटीज़ का मरीज़ जो 35-40 साल का है उसमें सेक्स हार्मोन की अचानक से कमी आ जाती है। अब सेक्स हार्मोन के सिम्टम्स, एक तरीके से हम इसको एंड्रोपॉज भी बोल सकते हैं। एंड्रोपॉज मतलब मेल हार्मोन का कम हो जाना। अब एंड्रोपॉज होने का जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अमूमन कॉमनली हम फेस करते हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, मसल्स में पावर कम हो जाना, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाना, ये सब एक बहुत ही कॉमन चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन अगर आप में सेक्स हार्मोन की कमी है तो आप आज ही अपने डॉक्टर से मिलिए और सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में जानिए। सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट से ना ही डायबिटीज़ भी हार्मोन्स के रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो भी ठीक होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में भी सुधार में हमें मदद मिलती है। तो जान लीजिए, डायबिटीज़ और सेक्स हार्मोन की कमी छुपाना नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ सिम्टम्स आ रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली हम फेस करते हैं, जो है सेक्स डिज़ायर की कमी और इरेक्शन की प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें बिल्कुल शर्माइए नहीं और छुपाइए नहीं और अपने डॉक्टर से तुरंत जाके संपर्क करिए। धन्यवाद।